ज्ञान मनन करने से और अभ्यास करने से सिद्ध होता है। आप लोग सोचते हो हम सत्संग में आके बैठ गए, रोज सत्संग सुन रहे हैं, हमारा काम बन गया। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। जब तक आप मनन और अभ्यास का आसरा नहीं लोगे, तब तक ही आत्मा की उड़ान भरना मुश्किल है। जिज्ञासु एक पक्षी की तरह है, और जैसे पक्षी को दो पंखों का सहारा चाहिए उड़ने के लिए, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग ये जिज्ञासु के दो पंख हैं। जब तक उसके पास ये पंख नहीं होंगे, तब तक वो आकाश आत्मा का सैर नहीं कर पाएगा। आपने सुना गुरु के मुख से, आत्म भाव में रहो। आत्म भाव क्या होता है, पहले हम आपसे यही प्रश्न करते हैं। अब आपको ज़्यादा में ज़्यादा आता है तो ये आता है, सबको आत्मा करके देख लूँ मैं, आत्म भाव हो गया ये। पर जिसने स्वयं को आत्मा अनुभव नहीं किया, निश्चय नहीं किया, वो सामने आत्मा कैसे देखेगा। चोर के भाणे सारे चोर, साधु के लिए सारे साधु। जो आप आत्मा है उसके लिए सारी सृष्टि में आत्मा है। जो आप जीव है वो आत्मा का कैसा भी गाना गाएगा तो भी देखेगा अंदर से जीव करके। समझो आज गुरु का शब्द भी ले जाओ कमा के, समडिस सबके आत्म जग के, ऊपर से आत्मा आत्मा बोलोगे, अंदर से आत्म भाव बनेगा नहीं। प्राण विक्षेपता में आके बोलेगा, गुरु कहता है इसमें भगवान देखो, ऐसों को कोई भगवान देख सकता है क्या। अपने ही अंदर संशय खड़ा हो जाएगा, क्योंकि निश्चय जब तक स्वयं में नहीं है, विकारों सहित ये शरीर मैं नहीं हूँ। जब तुम अपने को जानो तब तो किसी को निर्विकार आत्मा देख पाओ। अभी अपने को तो जाना ही नहीं है, क्या तुमने ऐसा निश्चय किया विकारों सहित ये शरीर मैं नहीं हूँ? जानते हो ऐसा अपने को, अपने स्वरूप को जानते हो ऐसा, फिर सामने आत्मा कहाँ से देखोगे। कर्म ही दिखेंगे, स्वभाव ही दिखेंगे, नाम रूप ही नजर आएगा, खाली सुना हुआ शब्द है। सुनने से काम नहीं बनेगा, मनन करना पड़ेगा। क्या आप गुरु के पास ये प्रश्न लेके आए कि गुरु आप कहते हो आत्मा देखो, मेरे को तो आत्मा कहता भी हूँ तो भी आत्मा नहीं देखने में आता है। तो गुरु ये पहेली सुलझा के देता तो भाई आत्मा बोलने से आत्मा नहीं हो जाएगा, पहले अपने को जान। जो अपने को जानेगा वही तो सबको जानेगा। तुम सीधा सर्वज्ञ होने चल पड़े, अभी तो अल्पज्ञ भी नहीं। अल्पज्ञ माना जो थोड़ा जानता है, तो पहले अल्पज्ञ तो हो जाओ, पहले अपने को तो जान लो, अपना तो निश्चय कर लो, फिर सर्वज्ञ अपने आप हो जाओगे। सब में आत्म भाव बन जाएगा, सब में आत्म दृष्टि बन जाएगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। पर एक बार पहले अपनी स्थिति को देखो तो सही, मैं कहाँ खड़ा हूँ और कैसा अभ्यास करता हूँ, आपको ये मालूम ही नहीं है। गुरु ने कह दिया भगवान ने, आपने भी कह दिया भगवान ने, क्या किसी का शरीर भगवान ने, क्या कोई नाम रूप भगवान ने, नहीं। भगवान तत्व से बोला, और जब तक आपको किसी में इच्छा बनी रहेगी आप उसको भगवान देख ही नहीं सकते हो। आपको इच्छा पड़ी है अगले में, आपके अंदर एक्सपेक्टेंसीज हैं बहुत तरह की, आप वहाँ ब्रह्म भाव कैसे रखोगे, बनेगा ही नहीं ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव तब बनेगा जब पहले आप अपने में निश्चय करोगे, क्योंकि अपने को आत्मा में टिकाने में शरीर को अलग करना पड़ता है,
विकार अलग करने पड़ते हैं, मन अलग करना पड़ता है, फिर सामने भगवान देखना आसान हो जाता है। तो जैसे मेरे मन के स्वभाव, मेरे मन के विचार मेरे से अलग हैं, ऐसे सामने वाले का भी कर्म और स्वभाव उससे पूरी तरह अलग है, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप आत्मा है। अब खोजना तो हुई नहीं है अंदर, सिर्फ हमने शब्द रट के काम चलाना शुरू कर दिया। ये कोई शब्दों से सिद्ध होने वाला ज्ञान होता ना, सारे सिद्ध हो गए होते अब तक, क्योंकि सुनते तो सारे ही हैं, लेकिन नहीं बनती बात किसी की भी सुनने से जब तक के उसका अपना अभ्यास नहीं है। बार बार विचार, बार बार प्रयास, आज खुद में अहमता रहती है या आत्मा का भाव रहता है? आप कहीं भी जाते हैं, क्या बन के जाते हैं? आप अपने को क्या करके जानते हैं? क्या आपने अपने अंदर से संसार विसारने की कोशिश की है? कभी विचार किया है, मैं मां नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, विचार किया कभी? विचार करते तो वैराग आता, विचार करते तो हटते वहाँ से, लेकिन विचार नहीं किया। यहाँ सुना है, अब जो मिस्टर मिसेस बन के आए वही मिस्टर मिसेस बन के आप लोग वापस गए। हम क्या जाने कि आपको ज्ञान पक्का हुआ, हम क्या जाने आपको आत्मा की निष्ठा हुई है। आप जैसे बन के आए थे वही के वही बन के तो जा रहे हो, यहाँ से छोड़ जा रहे हो अपना जीव भाव, यहाँ पे सारे शौक, सारी इच्छाएं दुनिया की सब साथ लगी हुई हैं। तो आपने कौन सा अभ्यास करके वैराग जागृत किया? आपको कहाँ गुरु की बात समझ आई और आपने बहिर्मुखता छोड़ के अंतर्मुखता धारण की? कल भी बात चली हम लोगों की कि जो व्यक्ति बहिर्मुख होगा वो सपने देखेगा संसार के, और जो अंतर्मुखी होगा वो जाग उठेगा। यहाँ हम जागने आए हैं तो क्या हम जागे? हम अंतर्मुख हुए? हमने अपना आनंद अपने अंदर जाना है? क्या बाहर से आपको कोई सुख नहीं चाहिए? आपको बाहर से कोई रस नहीं आता है? जहाँ आप जाते हो वहाँ आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो अपना डाइसेक्शन तो आपने किया ही नहीं। और जब तक आपने अपने अंदर ये सब विचार नहीं किए, आप मुड़ने वाले हो ही नहीं। उधर से मुड़ा कैसे जाता है ये भी तो देखो ना। आज ज्ञान सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी जब हम बात करते हैं मुझे समझ आता है अभी मनन का अभाव है, अभी कमियां हैं, अभी अपने अंदर पूरा निश्चय वाली कहानी नहीं है, कहाँ बात करनी है, कैसी बात करनी है। अभी तो बड़ी जनरल जनरल बातों में भी अभी हम अपने को बना नहीं पाते हैं। छोटी सी बात होती है जहाँ आप जानते हो आपके घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, आप जानते हो उनकी श्रद्धा कम है, चिढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको बात भी युक्ति से करनी है। आज मान लो मैसेज हमने ही दिया आपको, कहीं आना फंक्शन में, तुम्हारी पड़ोस का है, अब घर के लोग बोलते हैं क्यों जाना ज़रूरी है। अब आप अगर ज्ञान बोलोगे, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, बंधन पड़ेंगे, आपको बात को समझ से करना है। वहाँ पर बोलो फिर फ्रेंडशिप है ना, आना जाना इकट्ठे होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मना करना ऑड लग रहा है मुझे। बात अपने पे लेनी है। गुरु के लिए बोलोगे ना, फिर गुरु के लिए चार बातें सुनोगे, फिर दुखी हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं, इनका ऐसा एटीट्यूड है, पर एटीट्यूड बनवा दिया ना हमने। हमको बात को संभालना आना चाहिए, जैसा व्यक्ति सामने हो उसके अकॉर्डिंग बात करो। जो ये ज्ञान के तगड़े तगड़े पॉइंट्स हैं ना, अपने मन के लिए होते हैं, बोलने के लिए नहीं होते हैं। बोलोगे काम खराब हो जाएगा, क्योंकि दुनिया वाले दिल तो देख नहीं सकते, वो सिर्फ शब्द और हरकत पकड़ते हैं, और आपको सतर्क रहना है, शब्द और हरकत मत पकड़वाओ अपनी। अगर आप अपने शब्द पकड़वा लोगे तो कहेंगे देखा इनका प्यार ही वही है,
हम लोगों से यही नहीं, ऐसे हैं वैसे हैं, क्यों पकड़वाए शब्द, इनको तो उन्हीं की माननी है। या फिर वो बोल देंगे देखो उन्होंने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, अब बड़ा बुरा लगेगा, उन्होंने मेरी जीवन संवारी है, और ये कैसे बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शब्दों से उनके अंदर खेचल हो जाती है। बी केयरफुल, कोशिश करो जहाँ पर घर वालों का भाव ना हो, ना तो गुरु को डालो ना ज्ञान को डालो बीच में, औपचारिकता में आ जाओ ना, फॉर्मल हो जाओ। आपको भी पता है आप लोकाचार में नहीं हो, गुरु के कारण जा रहे हो, गुरु भी जानता है। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, उनको तो नहीं पता ना पिक्चर का हाथी है, उनको तो नहीं पता, उनको दिखा दो, उनको ये दिखाओ कि मैं दुनियादारी के मारे जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता, फिर क्या कहेंगे, बार बार ना फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इतना मैं नखरे कैसे दिखाऊँ, ऑड लग रहा है मुझे। उल्टा एक बार चलो माँ से मैसेज होता मैं मना भी कर देता, पर अब इनको कैसे कहूँ, बात घुमा देते तो आपको आराम से रास्ता मिलता, क्योंकि उनको खुशी होती, अच्छा अच्छा दुनियादारी निभाने जा रही है, जाए जाए, शुक्र है कहीं तो निभाती है। और अगर आप कहोगे नहीं मैं तो गुरु के मारे जा रहा हूँ, फिर वो टांग खींचेंगे। कोशिश किया करो घरों में ज्ञान के शब्द बोलो नहीं, हाँ जो अच्छी लग रही है बात उसको घोटो, मेरे वैराग्य के लिए, मेरी गुरु भक्ति के लिए ये वचन बहुत अच्छा है कि गुरु का बुलावा काल का बुलावा। पर अगर हम दुनिया में किसी को ये बात कह देंगे, अगर भाई गुरु का बुलावा काल का बुलावा, वो समझेंगे थोड़ी, जो गुरु को ही नहीं समझ रहा वो गुरु के बुलावे को काल का बुलावा कैसे समझेगा, उसके अंदर गलत इंप्रेशन आना ना जायज सी बात है। लेकिन हम पंगाई क्यों लेते हैं ऐसा, हमेशा घर में नॉर्मल बात करो, ज्ञान की बात आपके लिए, यहाँ पक्का करो जाना तो ज़रूर है, गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। अब कैसे निकलूं युक्ति करके, दुनिया वालों से उनकी भाषा बोल के किनारा कर जाऊं, ज़्यादा बेहतर होता है। तो जब तक आप लोग घोटोगे नहीं ना ज्ञान को, ना युक्तियाँ समझ में आएंगी, ना छूटना समझ में आएगा, ना निर्बंधन हो पाएंगे, कहीं ना कहीं फंसते आएंगे। हर अटकाव खत्म हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, पर हमको ज्ञान की रमज आ जानी चाहिए। एक बार एक ताला था, चाबी लगाई गई, ताला खुल गया, पास में हथौड़ा बैठा हुआ था, कहता है चाबी को तो मेरे मुकाबले कमजोर भी बड़ी है, मैं तो हट्टा कट्टा मोटा, मैं वार करता हूं कई वार करने पड़ते हैं तो जाके ताला टूटे ना टूटे, तू अंदर गई चुपचाप जरा सा घूमी और ताला खुल गया, ऐसे कैसे। उसने बोला तू वार करता है, तू प्रहार करता है, तू तोड़ता है, मैं तो भाई अंदर दिल में घुस जाती हूं ताले के और प्यार से विनती करती हूं भाई खुल जा, खुल जाता है। ये रमज है जीने की जीवन को, हर जगह हथौड़े के प्रहार काम नहीं आते हैं। हथौड़े का प्रहार अपना अज्ञान तोड़ने के लिए बराबर है, हथौड़े का प्रहार अपने विकार अपने अज्ञान को खत्म करने के लिए बराबर है। लेकिन जो चाबी वाला काम है, प्यार वाला काम है, नम्रता वाला काम है, वो एक अलग बात हो गई, दुनिया के लिए वो काम आएगा, वहां चाबी से ताले खुलेंगे। आप अगर वहां हथौड़ों के प्रहार करोगे तो काम नहीं बन पाएगा, हथौड़े का प्रहार नहीं चाहिए, नम्रता चाहिए। आपको मार्ग लेने का शौक होगा तो मार्ग ले पाओगे, वरना मार्ग भी नहीं ले पाओगे। आपके अंदर क्वेस्ट होगी पूरी पूरी,
तो अपने स्वरूप को जान भी पाओगे, पर अगर पूरी क्वेश्चन नहीं है काम नहीं बन पाएगा। यहां पर जो आप सुनते हो उसका जाके विचार करो, देवता दैत्य सबने सुना था ना ज्ञान, और जब उनको बोला गया तू भगवान है, मान ना मान तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप है, दैत्यों ने जाके मार काट मचा दी, बड़ी बुरी तरह मार काट मचाई। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो, मैं भगवान हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं। देवता दूसरे दिन फिर आए लौट के ब्रह्मा जी के पास, आपने उपदेश दिया तू ब्रह्म है तू भगवान है, पर हम सोच रहे हैं हम तो विकारों में गिरे हुए, हम तो सुरा पीने वाले, हम तो नर्तकियों की महफिलें लगाने वाले, हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो बोला भाई ये ज्ञान के अधिकारी हैं देवता, और दैत्यों को बोला तुमने गलत ज्ञान उठाया, विचार तो करते अगर तुम्हें ब्रह्म बोला गया, तुमने सीधा जाके मारकाट मचा दी, भाई हम तो भगवान हैं हम कुछ भी करेंगे। पर देवताओं ने जाके मनन किया, विचार किया, सोचा, खोजा, उन्होंने अंदर पता लगाने की कोशिश की, तो भाई ये कैसे हमको बोल रहे हैं ऐसा, हमारे तो लक्षण ही नहीं है, मनन चाहिए ना। जो व्यक्ति भी मनन करेगा उसी को तो लक्षणा भी जागेगी, और आज भी विचार करेगा। अब आपने कहा गुरु ने आत्मा कहा है, आपने कभी ये सोचा आत्मा का लक्षण क्या है, मैं ब्रह्म स्वरूप कैसे हूं, आपने ये विचारने की कोशिश की, आप वहीं के वहीं खड़े हो, ज्ञान खाली बोलने में आ गया। कई लोगों को देखो ज्ञान बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जहां संसार की बातें आएंगी, दुनियादारी, लेना देना, ये करना वो सारा जगत पक्का है अंदर, जगत से ऐसे नहीं होते। बाकी बोलने को ज्ञान बड़ा सारा है, और तुम पकड़ लो तो कहेंगे राजा जनक की तरह निर्लेप बैठा हूं। अगर राजा जनक निर्लेप है तो निरसंकल्प भी तो है, उसको खाली एक संकल्प हुआ था, यज्ञ करता हूं निंदा हो रही है मेरी दुनिया में, सिर्फ एक संकल्प हुआ था उसको, उसके उस संकल्प को भी गुरु ने ऐसा जिताया। जब यज्ञ करने के बाद कंबल बांट रहा था, गुरु भिखारी बन के भिखारियों की लाइन में लग गए, और उसको पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं, बोला फिर ये सब क्यों कर रहा है, तुझे प्रशंसा चाहिए, कीर्ति चाहिए, वाहवाही चाहिए, किसी वजह से तो कर रहा है। एकदम सुजाग हो गया कि अरे मैंने ये तो विचार ही नहीं किया कि मैं ये कर्म क्यों करने जा रहा हूं। तो एक बार उससे भूल हुई, गुरु ने ऐसा जागृत किया, जिंदगी में फिर उसको कोई संसार का संकल्प नहीं आया, और वो वैदेही राजा जनक क्यों कहलाते हैं कि जीते जी देह का धर्म उसको स्पर्श नहीं करता था, तो वैदेही राजा जनक पड़ा उसका नाम। अब आप लोग राजा जनक का मिसाल सुन लेते हो और फटाफट उठ लेते हो, राजा जनक भी तो राजाई में न्यारा बैठा था, अगर उसको राजाई का ख्याल होता न्यारा तो वो हो ही नहीं सकता था। जिसको राजाई का ख्याल होगा मैं राजा हूं, ये मेरी राजाई है, अहमता भी है, ममता भी है, कर्तापन भी है, क्या वो व्यक्ति कभी निर्लेप हो सकता है। लेकिन ना उसके अंदर राजा होने का भ्रम है, ना उसको राजाई में ममता है, ना वो किसी कर्म का करता है, तब वो कहता है राजाई मुझे विक्षेप में नहीं ला सकती है।
मैं राज्य में बैठा भी ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। ये बातें बोली राजा जनक ने। अब राजा जनक की स्थिति से हमने मिलान किया, ये मिलान तो हमने फटाफट कर लिया कि जैसे जनक राजाई में न्यारा बैठा है, मैं घर में न्यारा बैठा हूं। शब्दों से हो गया ना, विचार करो क्या आपको कुछ भासता नहीं है, क्या आपको अच्छाई बुराई नहीं भासती, बच्चों के लिए ख्याल नहीं आता, दुनिया में अच्छा बन के नहीं चलना चाहते, अमीरी गरीबी का फर्क नहीं पड़ता, क्या नहीं चलता अंदर में, इंटरफेयर नहीं करते। चलो अभी तो बच्चों की शादियां ही नहीं हुई, सोचो बहू आ जाएगी मुंह बंद रह जाएगा, टोकोगे नहीं, बोलोगे नहीं, मन नहीं करेगा हमारे अकॉर्डिंग चले, जैसा हम चाहते हैं वैसा करे, मार के बैठे हो अपने को कि हम तो मौन में रहेंगे। हम जबान रोज सुना सत्संग में, जिस दिन बहू घर आ जाए बस जबान को ताला लगा लेना, इज्जत बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा। तैयार हो? अंदर वाला तैयार है? पूछ के देखो अपने से। किसी भी फील्ड में सत्संग सुनते हो, रोज अलग अलग टॉपिक हो जाता है, आपका अभ्यास किस पे चल रहा है, आप किस बात पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कहां पर बोल सकते हो कि हाँ ये वाली स्थिति के लिए मैं तैयार हूं। अभी मिसाल लास्ट में चल रहा था, ब्रह्मज्ञानी के बेटे की शादी थी और वो जानी जानन हार जान गए कि ये अभी शादी करके आएगा, डोली आएगी, लड़की अंदर पैर रखेगी और लड़का मरेगा, इसका योग ऐसा बना हुआ है। फिर बोला कि शादी वाला घर हलचल मच जाएगी, वो अपना अंदर बैठ के कफन सी रहा है। इधर गुरु ने शिष्य को ब्रह्मज्ञानी की स्थिति देखने भेजा कि जाओ देख के आओ ब्रह्मज्ञानी की समावस्था कैसी है। आके देखता है तो कफन सी रहा है। अरे आपके बेटे की शादी है, घर में आप कफन सी रहे हैं? बोला ये अभी आएगा लड़का तो मरेगा, हलचल हो जाएगी, मैंने कहा कफन सी के रखता जाऊं, उस समय दिक्कत नहीं आएगी। ये स्थिति देखने में आई कि जहां बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते हैं। दुनिया में हर खुशी के साथ हजारों गम भी होते हैं। अब ज्ञानी उस स्थिति के लिए पहले तैयार बैठा है, कैसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, रेडी बैठा है वो। अब आप अपने से पूछो संभाव कितना है। शायद आप ऐसी बात भी सुन के घबरा जाओ, शादी वाले घर कोई ऐसी बात करता है, तुम्हारे घर शादी हो, कोई इतना ही कह दे राम नाम सत्य, हाय हाय ये क्यों बोला, क्यों राम नाम झूठ है शादी वाले घर में? मौत वाले घर में राम नाम सच है, शादी वाले घर में राम नाम झूठ होता है क्या? लेकिन आपको एक वहम है कि ये तो शमशान में बोला जाता है, मुर्दा कंधे पे उठा के बोला जाता है राम नाम सच है, तो अभी मेरा तो बेटा घोड़ी चढ़ता है, ये क्यों कहते हैं राम नाम सच है, तो क्या बोले राम नाम झूठ है? वहम भी पड़े हैं अंदर, डर भी है। क्या प्रैक्टिस किया है ज्ञान का? जब ज्ञान का अभ्यास ही नहीं है, ज्ञान का फल क्या निकलेगा? इधर तो पहली बात है, अब जो बच्चा घर में पढ़ा ही नहीं, वो कैसे कह सकता है मेरा पेपर अच्छा हो जाए, कैसे कह सकता है? पढ़ा ही नहीं है, पेपर कहाँ से अच्छा होगा? आपका अभ्यास ही नहीं है, आप रिजल्ट मांग रहे हो, कहाँ से होगा? जो खुद दुनिया में रहते हुए अतीत होगा वही तो संभाव से सबको देख सकेगा ना। ज्ञानी की स्थिति है, उसको किसी के अच्छे बुरे कर्म से सरोकार ही नहीं है, जो सामने आया बहुत प्यार है उसके लिए, पीठ पीछे ना किसी की चर्चा है, ना किसी की बात है, ना किसका कर्म है। वो संभाव तभी हो सकता है ना जब हर एक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर एक की बात हमें लगी जा रही है, हर एक को हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, कहाँ से हमारी आत्मदृष्टि हो जाएगी, कहाँ से हम भगवान देख लेंगे?
भगवान देखने के लिए भगवान होना पड़ेगा। आत्मा देखने के लिए पहले स्वयं आत्मनिष्ठा करनी पड़ेगी, बाद में बातें करना। ये सारी आप चल पड़े पहले बाहर देखने। पूछा ना राजा ने, बोला मेरे को वजीर रखने का है, तो इंटरव्यू देने के लिए लोग आ जाएं। काफी लोग आ गए, अंदर जाएं और सबको राजा फेल करता जाए, क्योंकि राजा का प्रश्न बड़ा अजीब, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लगे, मेरी दाढ़ी में भी आग लगे, तुम पहले किसकी आग बुझाओगे? अब राजा की नौकरी चाहिए तो राजा की चापलूसी, राजा जी आपकी, भगा दे वापस। अब 500 लोग जब होके आए, आखिर बात फैल गई। राजा ने पूछा था हमारी दाढ़ी में भी आग लगे, तुम्हारी दाढ़ी में भी आग लगे, पहले किसकी बुझाओगे? हमने कहा राजा आपकी, तो हमें फेल कर दिया। अब अगले लोग गए तो बोले राजा जी अपनी, वो भी फेल। समझ ही ना आए किया क्या जाए। आखिर एक गया, उसने कहा एक हाथ से अपनी आग बुझाऊंगा, एक हाथ से आपकी। बोला इसको रखो। राजा से पूछा ऐसा क्यों फैसला किया? बोला जिसकी अपनी दाढ़ी में आग लगी है, क्या वो दूसरे की आग बुझाने जा सकता है? कॉमन सेंस की बात है, जो सारे कह रहे हैं आपकी, चापलूस हैं, झूठे हैं। फिर जिन्होंने कहा राजा जी अपनी, बोला मेरे को स्वार्थी भी नहीं चाहिए, व्यक्ति ऐसा चाहिए अपना भी नुकसान ना करे लेकिन दूसरे का फायदा भी ना उठाए, अपने लिए भी अच्छा रखे, सबके लिए भी अच्छा रखे। सेम बात हम लोग बोलते हैं, जब तक अपने को ब्रह्म नहीं जाना, सामने नहीं देखा जाएगा। आप झूठी बात बोलते हैं, लोग आके ना बात करते हैं, मैं तो बहू में भगवान देखती हूं। जब सास है तो ये बहू देख रही है या भगवान देख रही है? झूठी है, एक नंबर की कपट करती है। बहू भी दिख रहा है, बहू में भगवान, या बहू है या भगवान है, एक बात करो, बहू में भगवान कैसे दिख रहा है? ये कौन सा ज्ञान है? गुरु ने कब सुनाया ये वाला ज्ञान, बहू में भगवान देखो? ये सब नौटंकी करते हैं। पति में भगवान देखती हूं, या पति है या भगवान है, पति में भगवान कौन सा है? गुरुजी हंसते थे, बोले बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा डाला है, पति में छोटा भगवान आ गया। भगवान है तो बस भगवान है। आप ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हो, ज्यादा में ज्यादा जब फंस जाते हो कहीं, ज्यादा में ज्यादा यही प्रैक्टिस कर लेते हो, इसमें भगवान देखता हूं, उसमें भगवान देखता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, बस ये बाहरी बातें कर लेते हो। लेकिन बाहरी बातें नहीं ना, वैराग बोलने का नहीं है, नाम रूप से वैराग बोलने का नहीं है, आत्म दृष्टि बनते ही नाम रूप से प्रयोजन खत्म है। अगर ध्यान दो, जितना भी ये जगत का सब पदार्थ जो बाहर मुक्ता, इस सब में से प्रयोजन कब खत्म होता है? जब मैं दे नहीं। अब ऊपर ऊपर से तो आप बोलो, कोई कहे ले लो, नहीं नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, पति ने जबरदस्ती लेके दिया, माँ ने सूट बना के रखा था, बेटी ने गिफ्ट दिया आके, बहुत बातें आप कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर का वैराग आपको पता है, आपका वैराग आपको पता है ना, दूसरे को थोड़ी पता है। शनि देव पे अगर तेल चढ़ता है, कोई दूध चढ़ाने गया ही नहीं आज तक? गया कोई शनि देव पे? क्या चढ़ता है? तेल। छोटेपन से देखते आ रहे हो सड़क पे, वो घर भी आते थे पहले तो, शनि शनि देव शनि वाला, वो डोल ले आता था, उसमें वो लोहे के पत्रे का शनि, सरसों का तेल। अब हम लोग छोटे होते थे, बोलते थे घर वाले जाओ थोड़ा तेल डालो, शीशी ले जाते थे, अंदर से थोड़ा तेल डाल आते थे, सात सिक्का डाल आते थे, शनि की जय हो गई। तो शनि के ऊपर अगर तेल चढ़ता है, दूध चढ़ाया आज तक किसी ने, वैराग्यवान व्यक्ति को
संसार कैसे पदार्थ भावनी से दूर करके पदार्थ थमा देगा? वैराग्यवान व्यक्ति को संसार कैसे घसीट लेगा भाई? एक कॉमन सेंस की बात है, जिसका जो आहार है उसको वही मिलता है। शनि का आहार ही तेल का दूध कोई लेके ही नहीं गया आज तक, लेकिन जो पंडित जी बैठे रहते हैं वो सारा कुछ आहार है उनका। उनको कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। आप लोग ज्ञान सुन के ऐसा वैराग धारण करते हो, सीधी बात है, ज्ञान सुन के वैरागी ऐसा धारण करते हो, तो उसमें फिर आपको कभी दुनिया घसीटती है, कभी माया घसीटती है, कभी लोग घसीटते हैं, ये मेरे को वहां ले गया, वो मेरे को वहां ले गया, उसने मेरे को ऐसा किया, यही सब बातें करते हैं। अब उनको तो कह दिया गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, खुद ने समझा, लेक्चर भी कर लिया, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, खुद का समझा। अब विचार तो अपने अंदर चाहिए, समझ तो अपने अंदर चाहिए, खोज के देखो ना। अगर आपको गुरु से इतना ही प्रेम है, आपको गुरु ने जितनी देर की छुट्टी दी आप उतने में वापस लौटो, काम हुआ या नहीं हुआ। पर मन है, अपने स्वाद हैं, अपने टेस्ट हैं, अपनी वैराग वृत्ति नहीं है, अपनी सुख बुद्धि, अपना ऐशो आराम, फिर ये हो गया, वो हो गया, काम नहीं हुआ, काल को बोलोगे काम नहीं हुआ। लोगों को मत सुनाओ काल का बुलावा, पहले अपने आप से पूछो। मन जाते हुए यहां से भी छुट्टी दूं ना मैं किसी को, आज चले जाओ कल आ जाना, बेईमानी यहीं से शुरू हो जाती है। तुम बाहर पैर रखो हम बोल देते हैं ये नहीं आएगा एक दिन में, मैंने कहा नहीं आएगा, मुझे मालूम है, बेईमान है अंदर से, सच्चे ही नहीं हो पा रहे हो गुरु से, साफ ही नहीं हो पा रहे हो। मन अटकता है, मन लगता है, हालांकि हम किसी को बोलते नहीं है, कोई जाने लगे ना कि तू आज चला जा कल आ जाइयो परसों, कभी नहीं बोलते, पर जहां डाउट होता है हम जानबूझ के एक डेट बता देते हैं, अच्छा आज चले जाओ कल आ जाना, कल चले जाओ परसों, सिर्फ हमको टेस्ट करना होता है ईमानदारी जागी है या अभी तक वही बेईमानी कंटिन्यूड है। एक ससुराल से भी तुम जाओ मायके, और वहां भी अगर तुम्हें मां जिद करे रह जा, नहीं भाई मैं घर कह के आई हूं, मैं जा रही हूं, इसको कहते हैं गुरु का बुलावा, माना काल का बुलावा। पब्लिक में भौंकने के लिए बहुत अच्छा है गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, और अपने जीवन में 50-100 बार हो चुका होगा, एक बार भी सिद्ध नहीं हुआ। हमेशा गुरु का वचन ही रौंदा गया, मन ऊंचा रहा। अब कैसे कह सकते हो गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, कैसे कह पाओगे? सोचो, ये एक एक टाइम पे ना प्रैक्टिकल करने की जरूरत होती है ज्ञान को। हम लोग एक बार लखनऊ होके आए, हम 1.5-2 महीना रह के आए थे, शायद ज्यादा ही रुके थे, आके पहुंच के अभी घर भी नहीं पहुंचे थे हम, एसटीडी के जमाने थे, हम स्टेशन से आ रहे थे घर, पटेल नगर में एसटीडी दिख गई। मैंने कहा भगवान सत्संग में बैठ जाएंगे, ट्रेन थोड़ी लेट थी, मैं एक बार बता दूं हम ठीक से पहुंच गए, क्यों उनको फिर ख्याल होता था कि तुमने फोन ही नहीं किया, पहुंच नहीं बताई मुझे। हमने उतर के फोन किया, बात अभी हो रही थी तो मेरे को कहते हैं तुम कल बस लेके आ जाओ। मैं अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंचा हूं और बस लेके आ जाऊं, और ऐसे एकदम कल कैसे बस आ सकती है? हमें तो इतना विश्वास है यहां बैठे, तेरी एक आवाज पे दुनिया चलती है, तू कह के तो देख, एक छोड़ दो बसें आएंगी। इसको कहते हैं गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। अब हम घर पहुंचे, नमस्ते की, और सत्संग दौड़ना था वापस, क्योंकि सबको मैसेज भी तो दूं, और इन लोगों को बताया हमको कल दोबारा जाने का है, और गई दो बसें गई। इसको कहते हैं गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। एक बार तो हम भी समझे मजाक कर रहे हैं, मैंने हंसी में बात ले ली, मैंने कहा फिर भेजते ही नहीं, बोले क्या हो गया, भेजा भी मैंने, बुलाया भी मैंने, आजा वापस, और सच में गए फिर। और ये उनकी कृपा, सब तैयार हो गए, बस रेडी हो गई, बसें मिल भी गई, आसानी से मिलती नहीं थी बसें तब, अब तो बहुत फैसिलिटी है,
तब बसें बुक करना भी औखा काम होता था, मुंह मांगे पैसे मांगते थे सब। ऐसे भगवान अभ्यास कराया करते थे। और तुम क्या करोगे, चलो बहाना मार देता हूं, चलो कह देता हूं, भाई काम हुआ या नहीं हुआ, बोलो मेरे को जितनी छुट्टी मिली थी आपको उतना काम करा लेना चाहिए था, मैं तो चला। एक बार ख्याल ही नहीं आया होगा मैं चला, क्यों अंदर वाले को लगा मसा तो आया है, फिर पता नहीं कब भेजेंगे, बैठ रह खा पी सो नींद पूरी कर, सारा घर में आंखें घूर घूर के देख कहाँ क्या रखा है, सेटिंग ठीक कर, यहाँ वो देख, वो इसको मिल उससे मिल, प्यार कर चिपट, मोह ममता पूरी कर, गाय की तरह बछड़े चाट बैठ के, मन ने बड़ी सृष्टि दिखाई और वो सारी सृष्टि भी पूरी करने में अभी भी बड़ा भारी मन लेके लौटना पड़ा होगा, मन तो रजा नहीं होगा बेचारा, क्योंकि उसको भूख भगवान के प्यार की अभी पूरी यही नहीं, संसार की भूख में मरा हुआ है। प्रॉब्लम्स तो ये वाले हैं, जब अंदर मन बेईमान लगा पड़ा है, बाहर आत्म भाव की बात कहां से करते हो, जब अंदर तुम्हारे खोट लगा पड़ा है, गुरु से प्यार की आशा कैसे करते हो। इंसान कभी कभी सोचता है गुरु भी सबको इतना प्यार करता है, मेरी बारी पता नहीं क्या हो जाता है, तुम अपने भाव चेक करो ना, क्या हो जाता है, अपना रिकॉर्ड चेक करो क्या हो जाता है, अपनी हरकतें चेक करो क्या हो जाता है, तुम्हें मिल जाएगा। जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो तेरी भावना है ना, तुम्हारे अंदर भगवान की भी वही छवि बैठेगी, और सामने आओगे भगवान से वैसा रिएक्शन ले जाओगे, मिनट से पहले लेके जाओगे, अंदर से अनकंसर्न्ड होना, अनअटैच्ड होना बड़ा मुश्किल काम है, सब वास्ता रखते हैं। ये लड़कियां यहां भी रहती हैं ना, इनकी माएं सब खबर चार दे, और कोई ईमानदार नहीं है कि उनको बोले कि आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो यहां जगत की, मुझे उनको बताना पड़ेगा, वो तो जब हमको ही बात कर, हाँ ये बात तो पता है, ये मेरी माँ बता गई, ये हमको समझ में आ जाता है, बेईमान खोटा सिक्का तो हमारे घर में है, इसी को शौक है सारी दुनिया का, अच्छा मैं आता हूँ मेरे चार सूट से ला के रखना, मेरा फलाना काम करके रखना, मेरा ये चीज़ खत्म है, मेरा वो खत्म है। जिसको भगवान पाल रहा है भगवान सोचेगा नहीं उसके लिए, पर भगवान को नौबत क्यों नहीं आती, क्योंकि अपना ही वैराग कच्चा है। जिसका अपना वैराग कच्चा है, जो अपने लिए सोचता है उसके लिए भगवान नहीं सोचेगा, जो अपने लिए नहीं सोचता भगवान उसके लिए सोचता है। अब चारों तरफ अगर खोजो ना, आपने अपने रास्ते आप ही बंद किए हुए हैं, क्योंकि सत्संग आपने कथा की तरह सुना है, जैसे कथा में जाती है ना औरतें, कथा की तरह सत्संग सुना, अभ्यास में कुछ नहीं लाया, प्रैक्टिस कुछ नहीं करी है। चार दिन कोई आए हम कहते हैं फोन बंद कर दो, फोन नहीं बंद होते, लेना देन, और हैरानी ये लगती है हमारी रखवाली के बावजूद। मैंने कल भी इससे पूछा, मैंने कहा ये बातें करते कब हैं ये लोग, इनकी माएँ कब इनको मिलती हैं, कौन से कोनों में घुसते हैं, कैसे इन लोगों की बातचीत होती है, मेरा इतना आंख रहती है। तो कोई बैठा था, उसने बोला, बोला चोरों के आगे ताले होते हैं क्या, चोर ताले का क्या करेगा, ताला तो तोड़ना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो आप जितना मर्जी पहरा दो, जिसको अपना वैराग नहीं है वो कोना भी ढूंढ लेंगे, मौका भी ढूंढ लेंगे, वो अपनी फोन पे बातें भी कर लेंगे, क्योंकि उनका पूरा लिंक बरकरार है। और जिसका पीछे का दरवाजा बंद नहीं है, वो आज नहीं तो कल माया में घसीटा जाएगा। रोज सुनते हो ऊंट अपना पेशाब दूर करता है, बैल की पेशाब में गिरता है। जिसने माया नहीं काटी, चलो आज तुम ये तो कहोगे हमने अपना संसार नहीं बनाया, दुनिया नहीं बनाई, तो क्या हुआ, दूसरों की माया है, दूसरों के पेशाब में रोज तो फिसलने जाते हो। आज मंदिर लिखवाने जाता हूँ, आज लड़का देखने जाता हूँ,
घर वाले कह रहे हैं तू ही समझदार है, तू चल के देखा। क्या तुमने उनको कहा खाक समझदार हूं मैं, अपने भगवान अपने प्रीतम को तो अभी तक पहचान नहीं पा रहा, जड़ बुद्धि है मेरी, और तुम कह रहे हो तू समझदार है, लड़का देखने चल, फलाना करने चल। आता ही नहीं ऐसा विचार, कहां से आए? क्योंकि खुद को ही दूसरों के पेशाब में नहाने में मजा आया पड़ा है। क्या हो गया? अपनी माया नहीं बनाई, कोई बात नहीं, दूसरों की सही। इसका लड़का देखा हूं, इसकी लड़की देखा हूं, इसकी बातें कराऊं, इसकी सलाहें दे आऊं। मुआ मर गया जो, वो क्या करेगा, किसके लिए जिंदा हो? और अगर जिंदा रहना इतना पसंद है, जाके करो जो करना है, तो क्यों धोखा दे रहे हो अपने को, आधे इधर के आधे उधर के, जूते भी खा रहे हो, प्याज भी खा रहे हो, इधर गंगा जल में नहा रहे हो, फिर उनके पेशाब में जाके नहाते हो, क्या फायदा है तुम्हें? एक डिसीजन तो लो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी जीवन क्या है। उबकाई आती है, हम लोगों के पीछे पड़ते थे भगवान, खाली अब उम्र होएगी भाई, दुनिया तो बोलेगी ना, हम क्या करें, खाली बता दिया जाके कि रिश्ता आया है कहीं से, भगवान तो पीछे ही पड़ गए। मेरा क्या फॉल्ट है इसमें? बोला है अभी तेरा तेज इतना प्रकट नहीं है कि दुनिया ऐसी बात करने से डरे, तेरा सच इतना प्रकट नहीं है अभी, ऐसे पीछे पड़ते थे भगवान। और तुमको तो मजा, शायद मैं हूं ही इतना समझदार। अरे हम कितने भी समझदार हैं, संसार के लिए थोड़ी हैं, अपने भगवान के लिए, अपनी जीवन के लिए समझदार हैं। अपना काम उतारो, जान छोड़ाओ, वेड़ा पान लुड़ी डी हथ भी अनके। अरे वहां तो बहुत बैठे हैं करने वाले, ये काम अधूरा रह गया कौन करेगा? वहां तो सब करा देंगे, मां बाप मर जाए लोग शादी तब भी करा देते हैं, चार रिश्तेदार मिल जाते हैं शादी करा देते हैं। अभी उस दिन गए ना वहां शादी में, लड़की को माँ बाप ही नहीं, तो बोला इसके मौसा मासी कन्यादान कर देंगे आके, सब कर दिया उन्होंने। शगन में भी खड़े थे वो, माँ बाप की तरह लेना देना कर रहे थे, बोला अभी ये फिर कन्यादान भी करेंगे कल शादी में, चलो हो जाएंगे ना सब काम। पर अगर तेरा उद्धार ना हुआ तो इसको कौन करेगा? अंदर वाला खुद भी नो नहीं करता, किसी को नो करे कि मेरा ये सब काम नहीं, मेरा ये सब प्रयोजन नहीं, एक बार अंदर वाला खुद भी तो ना करे। उसको लगता है नहीं शायद मेरी वैल्यू बन रही है। अब वैल्यू तो ज्ञानी की भी बहुत ज्यादा है, पर वो सारा दिन दूसरों के पीछे धक्के थोड़ी खा लेगा। लोग कहते हैं आपके बिना ये नहीं, आपके बिना वो नहीं, हम कहते हैं तू यहीं आके बैठ जा, तेरा गुजारा नहीं ना मेरे बिना, यहां आके बैठ जा। ये थोड़ी कि हम घसीटे जाएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। पर झूठा मान पसंद है, बड़ा बनना पसंद है, संसार के काम धंधे बड़े पसंद है, मजा आता है, इधर जाएं इधर आएं, लेना देना करें, फलाना काम करें, ऐसे लगता है अंदर वाले को मैं बहुत समझदार हूं, पंचों में पूर्ण बैठा ना गुरु के पास, वहां भी संतों में सन्मुख और पंचों में संसार के, वहां बताएगा मैं पूर्ण, मेरे को बात करनी आती है, मेरे को बड़ी अकल है, मेरी बात सुनते हैं सारे। तो तुम दुनिया से चले जाओगे, घर नहीं चलेगा, पर तुम्हें वैराग नहीं है जवाब देने का। और ताजुब तो ये लगता है डबल गेम खेलते हैं सब, माताएं यहां आएंगी हमसे अकेले होके पूछेंगी हमको बड़ी फिक्र है, हम बड़े परेशान हैं, इसका मन पूरा लगा है यहां पर, हमें लगता नहीं इसकी जीवन में कोई चेंज, हमसे ऐसी बातें, फिर बच्चों से करेंगे माया की बातें, तो दोनों तरफ से ही झोलझाल है, झोलझाल दोनों तरफ से। क्यों है? क्योंकि हम खुद ईमानदार होके नहीं चल रहे। माया पसंद है गो, तुम्हें किसी ने यहां बांध के बिठाया नहीं, पर अगर यहां बैठे हो फिर ईमानदारी से, क्या फायदा डबल साइड होके चलने का?
जो तुम्हारे लिए उचित है तुम वो करो, जहां तुम्हारा शौक तुम वो करो, पर एक बार अगर चुन लो फिर दूसरी साइड का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, मेरा काम ही नहीं है वो सब। एक व्रत रखा हो, हम सारा दिन सावधान है, चाहे पार्टी हो चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, एक बीमारी हो जाए डॉक्टर ने परहेज बता दिए, चाहे हम बड़ी से बड़ी शादी में चले जाएं, मुंह ही नहीं डालते किसी चीज में, देखते ही नहीं, उठ के ही नहीं जाते कहां खाना लगा हुआ है, नहीं भाई हमें परहेज है, नहीं भाई हमें नहीं खाना है। अंदर पता होता है ना मेरे लिए क्या सूटेबल क्या सूटेबल नहीं। मार्ग कोई भी चुनो लेकिन कूटस्थता से, वफादारी, भगवान भी तुमसे वफादारी की आशा तो रखता ही है। और आप क्या करते हो, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। भगवान को धोखा दिया, भगवान तेरे लिए व्रत रखा है और सारा दिन मन रहा खाने में पीने में चीजों में, और कई कई लोगों को तो व्रत का खाना अच्छा लगता है इसलिए व्रत रख लेते हैं, एक व्रत रख लेते हैं, व्रत वाला ना खाना बनाएंगे, तो भगवान को धोखा दिया तेरे लिए व्रत है। अंदर तो मन के और जबान के चस्के पूरे हो रहे हैं, रस पूरे हो रहे हैं, ये देखो ना, हम अंदर बाहर से शुद्ध हैं, हम अंदर बाहर से क्लीन और क्लियर हैं, प्योर हार्टेड हैं, साफ दिल हैं, ये चीज पहले देखो। हमेशा अंदर वाले को एक भूख क्यों बनी रहती है, मार्ग चुनते हो वैराग का और भूख तुम्हें सारा समय बाहर की चीजों की, रोज नया सूट चाहिए, रोज नई चीजें चाहिए, भले नाम किसी का भी लगा दो, बना के रखा था किसी ने, चपड़ा रहने दो, बना के रखा है ना उसने, रखा रहने दो, उसने बना के नहीं रखा, तुमने कहा उसको बना के रखना, मैं आता हूं बना के रखना, टेलर को बोलना जल्दी अर्जेंट, पैसा ज्यादा देना भले, करा के रखना। अंदर शौक, वैराग का दिखावा क्यों, जब अंदर ऐसे शौक लगे पड़े हैं बाहर वैराग का दिखावा क्यों। फिर ये फकीरी मार्ग अख्तियार क्यों करना, क्यों धोखा देना अपने को फकीर बन के, जबकि अंदर वाला बिल्कुल फकीर है ही नहीं। नाले शहनशाह ते नाले फकीर, मेरा मन रंगे आ गया। शहनशाह ज्ञानी अपने ज्ञान और भक्ति से, फकीरी मना वैराग। आप सोचते हो नाले शहनशाह भाई अच्छे सूटेड वूटेड हो जाएं, शहनशाह हो गए, और फकीर बोलते रहो हम तो फकीर हैं, हम तो भगवान के फकीर हैं, हम तो उनके मार्ग पर चले हैं। जरा अपनी फकीरी की लिस्ट बताओ। फकीरी में सिर्फ तुमने एक बार से सात फेरे नहीं लिए, शादी नहीं की और कह रहे हो फकीरी, इसके अलावा फकीरी में क्या है, और वो भी पता नहीं चिंतन से सौ सौ करी हूं, क्या पता, कौन जानता है तुम्हारे अंदर वाले को। बाकी फकीरी में क्या जीता, खाने का रस जीता, पहनने का रस जीता, घूमने का रस जीता, बातों का रस जीता, आसक्ति जीती, निर्लिप्तता आई, उपरांतता आई, लिस्ट बना के लाओ तुम्हारी फकीरी में क्या क्या शामिल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि बोलेंगे गुरु ने कुछ मना ही नहीं किया। इसीलिए जितना होए माया में गर्क होते जाओ। या तो फकीरी अंदर से आए और नहीं तो फिर ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। ये मार्ग उसके लिए जिसको भीतर से फकीरी जागे।
जो अंदर से जगत से उपराम हो सके, जो अंदर से निरीक्षा हो सके। अब जरा खोजो आपने अपने को एक साधक बनाने के लिए कौन सा अभ्यास किया। एक साधक तो बनो पूरे, आत्मा तो बहुत आगे की बात है। एक साधक की लक्षणा है, कह सकते हो पूरी तरह से मैं एक साधक हूं। बीच में आई थी वाणी, क्या मैं साधक हूं, कितने प्रश्न थे उसमें। भाई खोज के बताओ अपने अपने से, क्या तुम्हें लगता है तुम साधक हो। विचार चाहिए। ये नहीं संसार से थोड़ा दुख लगा यहां आके बैठ गए, हां भगवान मैं तो तेरा हो गया, फिर सुख मिलेगा फिर वहीं भागोगे। कितने लोग तो खाली बाहर की चार बातों को लेके बोलते हैं हमको माया में नहीं जाना। गुरुजी को लड़कियां बोलती थी डर लगता है, ससुराल के बंधन, ससुराल की बातें, फिर सेवा करो एक एक के। भगवान बोलते थे तो कोई वैराग ना हुआ, डर के मारे तुम त्याग कर रहे हो और यहां बैठ के मेरा खून पियोगी सब बाद में, क्योंकि शौक तुम्हारे जाएंगे नहीं, रस तुम्हारे जाएंगे नहीं। एक दो की तो कराई उन्होंने, खुद चली तो गई, समर्पित होके बैठ गई गुरु के पास, अंदर से शौक जाए नहीं, रस जाए नहीं। आखिर भगवान ने बोला तुम जाओ अपना सुखी हो जाके। तो फकीरी जिसको भीतर से जागे, सारी माया को नो कहने का जिसके अपने पास पावर होवे, किसी के दम पे कोई नो नहीं करता, गुरु के कहने से भी कोई नो नहीं करता, जब अंदर वाला स्वीकार ही ना करे किसी माया को। तुम्हें कितने साल हो गए रगड़ते हुए, फिर वही भूलें, फिर वही माफी, फिर वही गुरु समझाए और कारण आने पर फिर वही फिसलन सेम। इसका मतलब अंदर से फकीरी का फा भी नहीं जाग रहा, जागा ही नहीं, शुरू ही नहीं है। पूरी तो कब होएगी, अभी तो फकीरी जागी नहीं है। मजे पड़े हैं संसार के, रस मजा आता है अंदर वाले को उन सब धंधों में। तो जहां ये सब है वहां फकीरी एब्सेंट है। फकीर माना आती हुई माया को नो कर सके, फकीर माना सामने भी कुछ पड़ जाए तो भी उसका अंदर वाला स्वीकार ही ना करे, फकीर माना जो अंदर से जगत से प्रयोजन रहत हो जाए, फकीर तो उसको कहते हैं। हम लोग एक बार गुरुजी यहां दिल्ली आए थे, तो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स, एक हमारी गुरु बहन थी, पता भी था हम वहीं रह रहे हैं साथ वाले घर में कहीं। वो रोज डिनर का टाइम, वो 15 दिन हम लोग भूखे रहे थे कि 22 दिन, रोज डिनर के समय हंगामा मचा दे, तुम लोग भीड़ करते हो, गुरुजी गुस्सा करते हैं, जाओ जाओ जाओ, चलो 2, 4, 6, 8 दिन तो भूखे रह लिए, अब रात से भूखे और फिर पूरी रात जागना कैसेट्स बनाने के लिए। एक दिन तो हम लोग इतने भूख से विचलित हुए, दोपहर को खाना भी 12:30 खा लिया था 1 बजे। भगवान को कहीं जाना था, बोले तुम आज नहीं चलो, कैसेट्स ज्यादा हैं, 1 बजे से खाना खा लिया। वो 7-8 बजे मिलने आए, हम लोग मिलने गए तो नीचे भगा दिया गया। मार्केट गए कुछ खाने को मिल जाए, मार्केट क्लोज उस दिन, कोई शॉप ही ना मिले, एक चाय का कप ही ना मिले। जिसके घर रह रहे वो माई कैंसर पेशेंट, 8 बजे रसोई कोई ताला मार देती थी, पता नहीं क्यों। अब घर में कोई रसोई को ताला लगाता है क्या? 2 कमरे का घर नहीं, 1 कमरा हमारे पास था, बाथरूम उसका बाहर था, और वो 8 बजे तो ताला मार दे, कुछ हो ही ना, एक बिस्किट भी ना हो। और पानी की वो एक बोतल, 2 लोग हम रहते थे, 1 बोतल रखती थी 1 लीटर की, हमारे आने से पहले भर के हमारे दरवाजे पे रख दे। बड़े परेशान हुए,
जो दूसरा लड़का रहता था साथ, उसने अगले दिन सुबह, उसको मोबाइल था, उसको बिजनेस था अपना, उसने घर फोन कर दिया इनको, मम्मी को, आप ना दो परांठे ले आना, हॉल में आप जल्दी तो आ ही जाते हो, हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई है और कुछ है नहीं खाने को, और नाश्ते का भी चक्कर पड़ता था, हमें सुबह हॉल सेट करना होता था आके। हम हॉल सेट करने आए, वो आंटी पीछे ताला लगा के सत्संग आ जाती थी, तो हमको सुबह ही 5:30 नहा के अपना आना पड़ता था, मतलब कहीं से कोई गुंजाइश नहीं कुछ खाने की, खाली उसने बता दिया। ये लोग ले आए हॉल में, लाए भी एक रोटी, दो भी नहीं एक लेके आए, अच्छा वो भी आधी आधी, ऐसे चलते फिरते काम करते करते हम लोगों ने निगल ली, दोनों ने आधी आधी और एक एक गिलास पानी पी लिया। वो जो भेजती थी ना रोज, उसके एक भगत ने देख लिया कि इन्होंने रोटी पकड़ाई और हमने आधी आधी खाई, उसने जाके चुगली खा दी। माई सीधी सत्संग से पहले गुरुजी के पास पहुंच गई, गुरुजी ऐश की जाती है, तो घरों से रोटियां मंगा के खाई जाती हैं, अच्छा परांठे ये वो पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो आए गाड़ी से उतरे, कुछ पूछा ही नहीं, जम के बरस गए, फिर सत्संग में बरसे खूब। हम लोगों ने कानों को हाथ लगाया, भैया एक बिस्किट भी नहीं, इनको मना किया, एक बिस्किट भी नहीं लाना कभी हम लोगों के लिए, हट गए, खुद ही हट गए। बड़े टाइम बाद जाके बात जब क्लियर हुई, 15-20 दिन बाद, अचानक भगवान ने बोला, तुम खाना नहीं खाते हो रात को, क्यों चले जाते हो, घर से मंगाते हो क्या? मैंने कहा घर से तो भैया एक दिन मंगवाई थी, आपने ऐसी डाइजेस्ट कराई, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी खाने की। वो लड़का बोल पड़ा, हमको तो रोज ऐसे भेज दिया जाता है गुरुजी, उस दिन तो हमारा भूख से बुरा हाल था, फिर तो उस दिन के बाद रोज डाइनिंग पे बिठा के खाना खिलाते थे, शाम को सबको ऑर्डर होता था, उन दोनों को बोलो बैठे हमारे साथ खाना खाएं फिर जाएंगे। अगर एक समय गुरु हटाता है और हम हटते हैं, ऐसा नहीं गुरु की नजर नहीं पड़ती, फिर गलती थी या नहीं थी, हम लोग हट गए, बात खत्म, हम चुगली करने भी नहीं गए किसी की, गुरु को सफाई देने भी नहीं गए, 4 दिन बाद अपने आप बात खुल गई, ज्यादा ही प्यार मिला, तो डेली डिनर साथ होता था, फिर तो जो मर्जी हो जाए डाइनिंग पे हमने बैठना ही, 2 कुर्सी हमारी फिक्स हो गई, ये तो खाना साथ ही खाएंगे, बल्कि इस पब्लिक का जो बना रहता था भगवान वो भी नहीं बोले, जो हमारा बना इसको वही दे, हल्का खाना दो, रात भर जगना है इसको, और मजे हो गए। लेकिन एक बार तो गुरु हमें भी खंगालेगा कि नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला हो ऐसा, बोलते कुछ नहीं थे, बहुत कुशल कलाकार थे, हमें कुछ नहीं शो किया, उनको कुछ बोला हो नहीं बोला हो ये भी नहीं, बस ये अगले दिन से ध्यान रखना शुरू कर दिया। और रोटी तो उस दिन के बाद क्या हमने देखना भी बंद कर दिया, मेरे तो एरिया के लोग कैसेट भी लेने आते थे, मैं दूसरे को आगे कर देता था, तुम दो इनको, ये लोग कोशिश करते थे बात करने की, और हम इतना डरते थे कि मेरे से मत बोलो, उन्होंने देख लिया या किसी ने बता दिया मेरी खैर नहीं, हम आंखें नहीं मिलाते थे, आंखें नीचे करके पैसे पकड़ने, आंखें नीचे करके कैसेट देनी अगर देनी भी पड़ जाए तो, मेरे यहां से जाओ तुम लोग अभी 1 महीना। कोई गुरु की मर्यादा होती है, कोई अनुशासन होता है, कोई अपने भीतर भी होती है भावना, ये थोड़ी है कि खाली गुरु कहे या गुरु डराए तभी हमने हटना है कहीं से, अपनी भी तो कोई फीलिंग होती है, अपने अंदर भी तो कोई मर्यादा होती है, कोई प्यार होता है, कितना आसानी से तुम गुरु का वचन रौंद के ऑर्डर कर देंगे, बता देना हम आएंगे नहीं, अभी हमारा काम है, तुमने पूछा कि मुझे आपने 1 दिन की मोहलत दी थी और मैं मर्जी से बैठ रहा हूं, जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि मर्यादा है ही नहीं गुरु के अंदर, जानते ही नहीं गुरु किसको कहते हैं, अपनी सुख बुद्धि अपने रिश्ते नाते वो निभाने की टेंशन रहती है, तो तुम निभाओ जाके आराम से, यहां क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। हर 4 दिन बाद तुम हर टेस्ट में फेल हो, कंप्लीटली फेल्ड,
विद जीरो नंबर, किसी का एक दो तो आ जाता है, पूरा जीरो। गुरु निष्काम पे भी इसलिए भेजता है शायद मर्यादा सिखाते सिखाते मर्यादा आ जाए करनी, तो भी नहीं आती। दूसरों को सिखाए आते हैं, दूसरों को अच्छा लेक्चर कर दिया, खुद ने क्या किया ये तो पता ही नहीं। गुरु की मर्यादा की भी खबरें दे आते हैं, बात बताने की हो नहीं हो सत्संग में बताएंगे। कल किसी का बर्थडे मना, कोई बाद में आया, उसके लिए स्पेशल कैसरोल रुकवाए, उसकी प्लेट लगवाई, सिखा बताए गुरु कितना मर्यादित है। और खुद क्या किया, ये सोचा किस दिन मैं भी ऐसे होऊंगा तो गुरु मेरे लिए भी मर्यादा करे। गुरु की मर्यादा से तुमने मर्यादा सीखी, लेक्चर कराए, हमने देखा उनको कैसे प्यार करते हैं, एक बच्चे की भी मर्यादा करते हैं। सीखा तो कुछ नहीं, क्योंकि अपने भेजे में अपने लिए कुछ रखा ही नहीं, दूसरों के लिए स्टोर्ड है सामान। लेक्चर करने जाऊंगा ना, ये बता के आऊंगा, ये बता के आऊंगा। अब सारा दिन ऑब्जर्व करते रहते हैं, कमरे में आके देखते रहेंगे, तो कुछ देख जाऊं फिर शाम को एक नया लेक्चर में बताऊंगा। और बुद्धि इतनी भी नहीं क्या बात बताने की क्या नहीं बताने की, सब कुछ बता दिया बस। क्यों? क्योंकि सप्लाई का ठेका लिया हुआ, यहां से लिया यहां दिया, यहां से लिया यहां दिया। तराजू को देखो, दिन भर सामान तौलता है मुआ, अपने लिए कख नहीं, सारा तौल तौल के बांटे जा रहा है। तुम लोग भी क्या करते हो, ज्ञान सुन के बस बांटते सुनाते हो। हमको बहुत अच्छा सत्संग मिला है, नेट का एड्रेस दूं, मैगजीन दूं, फलाना दूं, और तू कलर कुटिया रह गया, गुरु पूर्ण हो गया तो क्या फायदा। गुरु जैसी जीवन भी तो बनाओ, तुम्हारे जीवन से गुरु की खुशबू आती है, तुम्हारे जीवन से गुरु छलकता है तुम्हारा, या तुम्हें देख के किसी को लगता है इनका तो सत्संग सुना ना सुना बराबर। विचार करके देखो। तो जब तक अभ्यास अपने लिए नहीं है, कोई ज्ञान सिद्ध नहीं होने वाला। इस ज्ञान की सिद्धि अभ्यास और वैराग से। आई बात समझ में?